हेलो फ्रेंड्स, मैं चेतन आपका स्वागत करता हूँ हमारी एक नई फ्रेश वीडियो में। तो गैसर आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मैं एक इन्वर्टर बना सकता हूँ। तो गैसर इन्वर्टर को बनाने के लिए जो हमें कंपोनेंट्स चाहिए वो हैं 13007 ट्रांजिस्टर, 330 ओम रेजिस्टेंस, एक हीट सिंक, एक 12012 का ट्रांसफार्मर एंड एक 12 वोल्ट बैटरी। तो चलिए गैसर इन्वर्टर को बनाना शुरू करते हैं। तो गैसर सबसे पहले बेसिकली मैं हमारे दोनों ट्रांजिस्टर को हीट सिंक के ऊपर अटैच करूँगा। कुछ इस तरह से। एंड गाइसर अभी मैं सिंपली यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस को शोल्डर करूँगा। तो गाइसर फर्स्ट ट्रांजिस्टर की फर्स्ट पिन के साथ मैं रेजिस्टेंस की एक वायर को शोल्डर करूँगा। एंड गाइसर बेसिकली जो हमारे रेजिस्टेंस की एक वायर रिमेनिंग रहेगी इसको मैं सिंपली हमारे सेकेंडरी ट्रांजिस्टर की सेंटर वाली पिन से अटैच करूँगा। एंड गाइसर अभी मैं सिंपली हमारा दूसरा रेजिस्टेंस लूँगा एंड इसको हमारे फर्स्ट ट्रांजिस्टर की सेंटर वाली पिन से अटैच कर दूँगा कुछ इस तरह से। एंड गाइसर सिंपली जो हमारे रेजिस्टेंस की एक वायर रिमेनिंग रहेगी इसको मैं ट्रांजिस्टर के फर्स्ट पिन के साथ शोल्डर कर दूंगा। एंड गाइस बेसिकली अभी जो हमारे दोनों ट्रांजिस्टर की एमिटर पिन रिमेनिंग रह गई मैं इन दोनों के साथ सिंपली एक वायर का जम्पर अटैच करूंगा। तो गाइसर आई होप आपको कनेक्शन समझ में आ गए होंगे। तो गाइसर सबसे पहले यहाँ पे मैंने हमारे फर्स्ट ट्रांजिस्टर के साथ एक रेजिस्टेंस अटैच कर दी। एंड गाइसर अब बेसिकली जो हमारे रेजिस्टेंस की एक वायर रिमेनिंग रह गई उसको मैंने हमारे सेकंड ट्रांजिस्टर की सेंटर वाली पिन में अटैच कर दिया। एंड गाइसर उसके बाद बेसिकली जो हमारे फर्स्ट ट्रांजिस्टर की सेंटर वाली पिन थी उसको मैंने सिंपली एक रेजिस्टेंस अटैच कर दी। एंड गाइसर जो हमारे रेजिस्टेंस की एक वायर रिमेनिंग रह गई उसको मैंने सिंपली हमारे सेकंड ट्रांजिस्टर की फर्स्ट वायर के साथ शोल्डर कर दिया जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एंड गाइसर उसके बाद मैंने सिंपली हमारे दोनों ट्रांजिस्टर की एमीटर पिन के साथ एक जम्पर अटैच कर दी। एंड गाइसर अभी मैं सिंपली यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर लूँगा। एंड गाइसर जैसे कि आपको मालूम है बेसिकली यहाँ पे हमारे ट्रांसफार्मर में यहाँ पे तीन वायर्स हैं जैसे 12 देन 0 एंड देन 12। तो गाइसर बेसिकली मैं हमारे ट्रांसफार्मर की दो साइड वाली वायर्स लूँगा। तो गाइसर अभी मैं सिंपली हमारे दोनों ट्रांसफार्मर की वायर को सेंटर वाले पिन में जन की कलेक्टर में अटैच कर दूँगा। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं अभी बेसिकली मैंने हमारी कलेक्टर पिन के साथ ट्रांसफार्मर की दोनों वायर्स को अटैच कर दिया। गाइस लास्ट में मैं यहाँ पे एक वायर लूँगा जिसमें मैंने सिंपली एक साइड बैटरी के कनेक्टर अटैच किए हैं। तो गाइस अभी मैं सिंपली हमारी बैटरी की नेगेटिव वायर को दोनों ट्रांजिस्टर के किसी भी मीटर पिन के साथ अटैच कर दूंगा क्योंकि गाइस बेसिकली मैंने हमारे दोनों मीटर को एक जम्पर लगा के अटैच किया है। तो गाइस बेसिकली मैं हमारी ब्लैक वायर को फर्स्ट ट्रांजिस्टर के मीटर में भी शोल्डर कर सकता हूँ एंड सेम वाइज सेकेंड में भी। एंड गाइस बेसिकली जो हमारी बैटरी की पॉजिटिव वायर रिमेनिंग रह गई तो गाइस बेसिकली इसको मैं हमारे ट्रांसफार्मर के सेंटर वाली वायर से अटैच करूंगा। एंड गाइस अभी मैं सिंपली हमारे जॉइंट के ऊपर टेप अप्लाई करूंगा। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेसिकली अभी हमारे सभी कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइस बेसिकली जो है दोनों वायर्स हमारी बैटरी में अटैच होंगी। एंड गाइस बेसिकली जो हमारी यहाँ से ट्रांसफार्मर की इनपुट वायर है इसमें बेसिकली हम लोड को अटैच करेंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेसिकली अभी हमारा इन्वर्टर ऑलमोस्ट रेडी है। तो गाइस अभी मैं लास्ट में यहाँ पे कुछ कार्डबोर्ड के पीसीस लूँगा। गाइस जैसे जो बेस टॉप एंड गाइस ये चारों इसकी साइड्स। तो गाइस बेसिकली यहाँ पे एक साइड में मैंने यहाँ से कट लगा लिया क्योंकि गाइस बेसिकली हम यहाँ पे एक सॉकेट अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। तो गाइस हमारे इन्वर्टर को और भी अच्छी लुक देने के लिए यहाँ पे मैं सिंपली 1K की रेजिस्टेंस एंड गाइस एक LED का यूज़ करूँगा। तो गाइस अभी मैं सिंपली हमारी LED की पॉजिटिव लग के साथ सिंपली हमारे रेजिस्टेंस की एक वायर को अटैच कर दूंगा। एंड गाइस अभी मैं सिंपली इसको यहाँ से शोल्डर कर दूंगा। एंड गाइस अभी मैं सिंपली हमारी एक्स्ट्रा वायर को यहाँ से कट कर दूंगा। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेसिकली अभी हमारे पास यहाँ पे दो वायर्स रह गई, एक नेगेटिव एंड गाइस दूसरी पॉजिटिव। तो चलिए गाइस अभी मैं सिंपली हमारे सभी कंपोनेंट्स को इस कार्डबोर्ड के पीस के अंदर जल्दी से असेंबल कर लेता हूँ। एंड गाइस अभी मैं सिंपली हमारे ट्रांसफार्मर की दोनों वायर्स को सॉकेट में अटैच करूंगा।
एंड गाइस अभी मैं सिंपली हमारी एलईडी को यहाँ पे हमने बैटरी की वायर अटैच की थी वहाँ पे अटैच करूंगा। तो गाइस बेसिकली हमारी नेगेटिव वायर तो यहाँ एमीटर में ही शोल्डर हो जाएगी कुछ इस तरह से। एंड गाइस जो हमारी एलईडी की पॉजिटिव वायर है उसको मैं सिंपली बैटरी की पॉजिटिव वायर से अटैच करूंगा। एंड गाइस अभी बेसिकली मैं हमारी एलईडी को यहाँ पे इस कार्डबोर्ड के पीस में अटैच कर दूंगा। एंड गाइस अभी मैं सिंपली हमारे सभी कार्डबोर्ड के पीसेस को एक साथ यहाँ पे अटैच कर दूंगा। तो वैसे जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेसिकली अभी हमारा इन्वर्टर बिल्कुल रेडी है। तो वैसे जैसे कि आप देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे हमारी एलईडी कनेक्ट है। तो चलिए गाइस अभी हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो गाइस इसे टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली एक बैटरी लूँगा एंड इसमें हमारे दोनों वायर्स को अटैच करूँगा। तो वैसे जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेसिकली यहाँ पे हमारी एलईडी ऑन हो गई। तो चलिए गाइस अभी हम सिंपली हमारे इन्वर्टर के साथ कुछ लोड अटैच करके देखते हैं जी टेस्ट करने के लिए कि हमारा इन्वर्टर प्रॉपर वर्किंग है या नहीं। तो चलिए गाइस इसे टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली एक 40 वाट का बल्ब लूँगा एंड गाइस बेसिकली मैं हमारे सॉकेट में इसकी दोनों वायर्स को इंसर्ट करूँगा। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा बल्ब 100% ग्लो कर रहा है। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि हमारा इन्वर्टर बनाना कितना ज़्यादा ईजी है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट कीजिए।